सब्सक्राइब करें टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, एक अपडेट देने वाला हूं, जिसके अंदर आपको BTC की करंट मार्केट की सिचुएशन का पता चल जाएगा। अभी BTC करंट जो अभी है 11,289 यानी कि 11,300 पर इस वक्त पोजिशन बनाए हुए हैं। तो क्या हो सकता है, मार्केट डंप करेगी, पंप करेगी, काफ़ी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको अपने अपने अदर अल्टकॉइन की ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल टेक हेल्प इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखिए चार्ट यहाँ पे साफ बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रहा होगा। देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको यहाँ पे देखिए डबल फॉलिंग वेज आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फॉलिंग चलना आपको साफ बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा। अगर बात करते हैं EMAs की तो 220 EMA ने 50 EMA और साथ में यहाँ पर अगर हम 20 EMA की बात करते हैं तो इसने कब का 100 EMA को भी क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पर हमारा जो एक स्पोर्ट था 11,500 का, इसको भी ब्रेक कर दिया जो मेजर स्पोर्ट था। और अभी जो आपका 200 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये अगर यहाँ से इसको बाउंस बैक होता है तो फिर हम अगेन इसको दोबारा से 11,500 तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पोजीशन का हम वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर दिखा दूँ, आप देख सकते होंगे ये बिल्कुल इसने रिस्पेक्ट करके और बाकी टेस्ट करके दोबारा से बाउंस बैक हुआ, पर यहाँ से इसको डाउन ही जाना चाहिए। और उसके बाद 11,257 के आसपास का आपको यहाँ पे छोटा सा स्पोर्ट देखने को मिलेगा जो वीक स्पोर्ट है, उसके बाद फिर क्या करनी। और अब बात करते हैं थोड़ी सी और, हाँ अब थोड़े से स्पोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर जैसे ही इसको ड्रॉप करता है, यहाँ से जैसे ही ड्रॉप करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो करीब करीब 10,900 के आसपास का है, यानी कि ये करीब करीब यहाँ पर 10,900 के आसपास का रहने वाला हमारा टारगेट। अगर इसको बाउंस बैक होना है तो 10,950 के आसपास से दोबारा से पंप करने की कोशिश करेगा। जैसे आपको यहाँ पर ट्रेंड स्पॉट लाइन जो दिखाई दे रही है, यहाँ से इसको अगर मैं इसके पैटर्न की बात करता हूँ तो करीब करीब ये अगर यहाँ से ड्रॉप होता है तो यहाँ से लेके थोड़ा सा यहाँ तक जाकर और उसके बाद फिर दोबारा इस फॉर्म में इसको नीचे आना चाहिए। बाकी मैं थोड़े से और आपको चार्ट को थोड़ा सा और दिखा दूँ कि कहाँ तक के भी इसके चांसेस हैं। देखिए तो आप देखेंगे यहाँ इसके बाद जो हमारा ये ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही होगी स्पोर्ट, ये मेजर ब्लैक लाइन मेजर स्पोर्ट पे मैंने इसको फोकस किया हुआ है। देखिए 10,500 इसके अगर ये जो है हमारे 11,250-260 के आसपास जो है ये ब्रेक होती तो हमारा 10,900 का है, इसके बाद हमारा 10,500 का है, फिर हम आते हैं 10,350 के आसपास। ये वाइट लाइन ये थोड़ा सा वीक स्पोर्ट है 10,350 का, बाकी ये रेड की बात करते हैं ब्लैक की बात करते हैं, ये आपका ब्लैक को अगर इसने टेस्ट करके वापस बाउंस बैक किया यहाँ से इसके बाउंस बैक होने के चांसेस है। यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है 150 से 200-250 डॉलर तक यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है जैसे इस हिसाब से, और इसके बाद फिर ये नीचे आएगा। तो यहाँ इस गैप का भी हम, इस मूवमेंट का भी हम, बाउंस का भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं लॉन्ग करके। और यहाँ से इसके चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ से शॉर्ट की भी दोबारा से ओपन हो सकती है करीब करीब 11,270 के आसपास, सॉरी 270 कह रहा हूँ मैं, 11,260 से 50 के बीच हम अपनी शॉर्ट की भी ओपन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। पर मैं तो यही कहूँगा अभी देखिए लॉन्ग शॉर्ट के चक्कर में थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी। अब आते हैं देखिए जैसे ही अगर हमारे पहला स्पोर्ट है 10,900 का, अगर ये ब्रेक होता तो फिर हम दोबारा 10,500 का, काफ़ी बाइंग प्रेशर है इस जोन में, यहाँ पर इस जोन में आपको काफ़ी बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगी। यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है दोबारा से प्राइस 10,800-300-400 डॉलर तक, यानी करीब 10,900 तक वापस आके ये दोबारा से ड्रॉप कर सकता है। और जरूरी नहीं कि यहाँ पर आने के बाद क्या साइड वेज में भी चला जाए, जैसे अभी एक तरह से आप देख सकते हो काफ़ी स्लोली। और उसके बाद जो हमारा थर्ड टारगेट है 9,900 का, बाकी जो आपको छोटे छोटे टारगेट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट देखे गए हैं। और हमारा जो देखिए यहाँ पर आपको एक टारगेट दिखाई दे रहा होगा 7,000 यहाँ पे, तो अगर ये फिल हो जाता तो हमारा CME फ्यूचर का गैप भी फिल हो जाता है। तो मेरी उम्मीद तो खैर यहाँ पर आने की है इसकी, पर देखो कब तक आता है कोई नहीं बता सकता इसको कि कब आएगा यहाँ तक ये। पर फिर भी हमें अल्टकॉइन के साथ देखिए, इसके साथ हमें अल्टकॉइन के अंदर भी सेफ्टी बनाए रखनी है, कभी अल्टकॉइन के अंदर हमारा नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए अपने पोजीशन को टाइट स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करें, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम के अंदर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से इस शीट को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने
इसको यहाँ पे शेयर कर दिया। आप चाहें तो मेरे फ्री ग्रुप के अंदर भी और प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, अब चलते थोड़ा सा BTC डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस यहाँ से भी हमें आइडिया मिल जाएगा BTC डोमिनेंस इस वक्त क्या कहाँ पर है। तो इस वक्त देखिए BTC डोमिनेंस इस वक्त 61.51 से अबव है, यानी कि यहाँ पर इसका सिग्नल जो बता रहा है कि यहाँ पे इसके मार्केट को ऊपर आना चाहिए। इसका तो साइन ये है, जब तक अभी देखिए 4 आवर कैंडल है और इस वक्त 3 घंटे, ये अभी एक नई कैंडल बनी है, यानी कि ये जो कैंडल है अभी थोड़ी देर पहले ही क्लोज हुई है और इसके बाद जो नई कैंडल बन रही है ऊपर से, अगर ये कैंडल अगर क्लोजिंग इस ग्रीन लाइन से नीचे होती है, यानी कि 61.50 से नीचे होती है और ये अगर हमारा 61.22 को भी क्रॉस कर देती है तो फिर हम देख सकते हैं। अभी यहाँ से जिस हिसाब से लग रहा है BTC डोमिनेंस को देखकर, 1 आवर टाइम फ्रेम को भी एक बार चेक कर लूँ, अगर BTC डोमिनेंस को भी देखकर यहाँ से देखिए काफ़ी पंप हुआ है एकदम BTC डोमिनेंस करीब करीब, हाँ तो हम यहाँ तक इसको देख सकते हैं। और देखिए अगर टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लूँ, अगर इस रेड लाइन को ट्रेंड लाइन को अगर सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा 60.80 उसके बाद हमारा 60.10 के आसपास, और अगर यहाँ पर हमारा करीब करीब ये समझ लीजिए अगर 60 को अगर ये क्रॉस करके डाउन में चली जाती है तो फिर अल्ट पॉइंट का दोबारा सीजन देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे ड्रॉप के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग शॉर्ट भी करेंगे तो भी डोमिनेंस में आप फर्क को देख सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है सिर्फ अभी BTC डोमिनेंस पे भी नजर रखिएगा, 4 आवर के कैंडल जैसे क्लोज होगी 3 घंटे बचे हुए हैं करीब करीब, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगा BTC डोमिनेंस का। और अब बात कर लेते हैं एक बार कॉइन मार्केट कैप से कि मार्केट कैप कितना है इस वक्त। देखिए 353 का मार्केट कैप है इस वक्त, जबकि इसमें 59.3 बताया जा रहा है। तो इसको भी देखना, अगर यहाँ पे अगर पैसा डिडक्ट होता 353 से, अगर पैसा डिडक्ट होता है 10 से 20 से 30 से 40, अगर यहाँ पर अगर पैसा डिडक्ट होता है मिलियन, अगर पैसा डिडक्ट होता है तो फिर आप रेडी रहिएगा कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप होगी। अगर यहाँ पे अगर पैसा इसके अंदर डाला जाता है 353 से, अगर ये अबव जाता है तो समझिए BTC डोमिनेंस इंक्रीज होगा और वहाँ से BTC के प्राइस के पंप होने के चांसेस हैं। तो ये एक शॉर्ट अपडेट थी जिसके अंदर मैंने आपको क्लियर इंडिकेशन देने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है अल्ट कॉइन के अंदर। देखिए अल्ट कॉइन के अंदर अपना टाइट स्टॉप लॉस यूज करना है आपको, और बिना टाइट स्टॉप लॉस यूज के बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। मंथ एंड आने वाला है, सिर्फ 3 दिन बच गए हैं, 4 दिन बच गए हैं, और साथ में मंथली क्लोजिंग है, ईयरली क्लोजिंग है, तो ये दोनों चीज़ें साथ के साथ है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो अगर हो सके तो ट्रेड ना करें, डेली ट्रेडिंग करने वाला गैम्बलर कहलाता है, तो डेली ट्रेडिंग ना करें, मौके अच्छे मौके के इंतजार करें, डिप में बाय करें, हाई पे सेल करें, सबसे बेस्ट है। ये छोटे छोटे प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा, उसे स्कैन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री है। ट्विटर पेज से जरूर जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पर मैं आपको चार्ट जो इसके हमारे ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट होते हैं BTC डोमिनेंस के, चाहे BTC के, चाहे ईथर के, चाहे कोई नए सिग्नल के, आपको उसको देखने को मिलते रहेंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।